आज भी अक्षय तृतीया के दिन गुड्डे गुड़ियों के विवाह रचाने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और यह देखकर और अच्छा लग रहा है कि इस परंपरा को निभाने के लिए आज बच्चे आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश परंपराओं का प्रदेश भी कहा जाता है और ऐसी कई परंपराएं प्रदेश में हैं जिसका निर्वहन आज भी प्रदेशवासी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसमें कई परंपराएं तो इतनी पुरानी हैं जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जा रहा है। ऐसी ही एक परंपरा है अक्षय तृतीया, मतलब अक्ति के दिन गुड्डे गुड़ियों का विवाह रचाने की। सुपेला भिलाई में ऐसे ही एक परिवार ने अक्षय तृतीया के दिन गुड्डे गुड़ियों का विवाह रचाया और विवाह के सभी परंपराओं का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया, जिसमें चुलमाटी, तेल, मायन, हल्दी आदि जैसे रस्में निभाई गई। देखने वाली बात यह थी कि इस वर्ष इन सभी परंपराओं को युवा पीढ़ी ने निभाया। आरती वगैरह लेके टिकावन टिकू जब से 7 साल की थी तब से गुड्डा गुड्डी का विवाह कर रही हूँ। ये हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है, बस वही चलाते आ रहे हैं आज। इसमें पूरा शादी का जितना भी नियम है, विधियाँ, चुरमाटी, टिकावन, मैन, सब नियम विधि, ये बस एक दिन का रहता है, हम आज ही करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में इस परंपरा को युवा पीढ़ी निभा रही है, जिसे देख कर यह एहसास जरूर होता है कि छत्तीसगढ़ की परंपराएं कभी दम नहीं तोड़ सकती। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।